अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कीमा करेले बनाने की रेसिपी। तो आपने सबसे पहले 1 kg कीमा लेना है और 1 kg करेले ले लेने। कीमे को साफ करके आपने एक साइड पे कर लेना है और कीमे को बॉईल करने के लिए हमने प्रेशर देने, उसमें कीमा डाल देना। इसमें 2 ग्लास पानी के ऐड करें। अब आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख देना है। इधर हमने करेलों का छिलका उतार कर एक साइड पर कर लेना है। इधर मैंने अपने करेलों में से सारे बीज निकाल कर करेलों को बिल्कुल साफ कर लिया है। साफ करने के बाद इधर जो हमने करेलों के ऊपर से छिलके उतारे थे उनके ऊपर हमने 1 tablespoon नमक डाल के उनको अच्छी तरह से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इधर अब हम अपने सारे करेलों को गोल काटेंगे। इधर हमने अपने करेलों को बिल्कुल गोल शेप में काट लिया था। करेलों को गोल शेप में काटने के बाद आपने 1 teaspoon इसके ऊपर नमक ऐड करना है, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने करेलों के छिलकों के ऊपर नमक डाला था। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करें और 10 मिनट के लिए इनको एक साइड पर कर दें। करेले काटने के बाद हमारा कीमा भी बॉईल हो चुका था। कीमा बॉईल करने के बाद आपने करेलों को अच्छी तरह से मसलना है ताकि इनके अंदर जितना भी कड़वा पानी है वो निकल जाए। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हमने इनको नमक लगाकर 10 मिनट के लिए एक साइड पर रख दिया था। आप देख रहे हैं इसमें से ग्रीन पानी निकलना शुरू हो गया है। अच्छी तरह मसलने के बाद हमने इनको एक टोकरी में निकाल लेना है। एक टोकरी में निकाल कर आपने इनको अच्छी तरह से धोना है। Thank you.
अच्छी तरह धोने के बाद आपने इनके अंदर का पानी अच्छी तरह से खुश करना है। पानी को अच्छी तरह से खुश करके आपने इनको एक साइड पर डिश में रख लेना है। हमने इनको अलग अलग करके इसलिए धोया है ताकि जो ये हमारे करेलों का ऊपर वाला छिलका है, छिलकों को और करेलों को मैं इसलिए अलग अलग धो रही हूँ ताकि जो ये हमारे करेलों का छिलका है ये जल्दी ब्राउन हो जाता है, और जो हमने ये रिंग किए हुए करेले हैं काट कर रखे हुए हैं ये लेट ब्राउन होते हैं, इसलिए हमने छिलकों को अलग धोया है और अब इन रिंग्स को बाद में अलग धोएंगे। इनकी लेयर मोटी होती है इसलिए ये जल्दी नहीं गलते या ब्राउन नहीं होते। हमने करेलों के छिलकों में से पानी अच्छी तरह खुश कर लिया है। ऐसे ही हम करेलों को अच्छी तरह से मस लेंगे ताकि इनके अंदर जो कड़वा पानी है वो निकल जाए। जैसे हमने छिलकों को धोया वैसे ही आपने करेलों को धो लेना है। इधर हमने अपने करेलों को अच्छी तरह धोकर इनका पानी खुश्क कर लिया था। खुश्क करने के बाद अब हम इनको कढ़ाई में डालकर मज़ीद इनका पानी खुश्क करेंगे। आपने 5 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। आपने छिलकों को भी ऐसे ही करके फ्राई करना है ताकि उनका भी मज़ीद पानी खुश्क हो जाए। पहले मैंने सिंपली दोनों को अलग अलग करके इनका पानी खुश किया है, अब मैं इनको अलग अलग फ्राई करूंगी। आपने 2 से 3 बड़े स्पून इसमें ऑयल डालना है और इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। आपने इनको तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। इधर हमारे करेलों के छिलकों का कलर बिल्कुल गोल्डन आ गया था और ये बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह करेले भी इसमें डालकर फ्राई कर लें। आपने करेलों को छिलकों की तरह गोल्डन ब्राउन ही रखना है। जब हमारे छिलके फ्राई हो रहे थे तब मैंने 3 बड़े प्याज लिए, उनको काट कर पानी में भिगो के रख दिया। इधर मैंने प्लेट में 2 बड़े टमाटर लिए और 4 ग्रीन मिर्चें ले ली। जब तक हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं तब तक हम अपनी हंडिया का मसाला काट कर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे करेले बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इनको एक डिश में निकाल लेंगे। करेले ब्राउन करने के बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। इधर हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका था, तो अब हम इसमें 2 स्पून रेड चिली ऐड करेंगे। 2 स्पून रेड चिली ऐड करने के बाद हमने
हमने कीमे की यखनी निकाली थी वही पानी हमने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब हम इसमें अपने करेलों का छिलका डालेंगे जो हमने फ्राई कर लिया हुआ था। उसके बाद हम इसमें करेले ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इनको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें टमाटर और ग्रीन चिली ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो यखनी का पानी है वो हमने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है और दम पर रख देना है 5 मिनट के लिए। इधर हमारे कीमा करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर हमारे कीमा करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।